मोस्ट इम्पोर्टेंट, दो चीजों से मेरे को अपने मन को हटाना है, वो है डर, ये भी आपको हमने पहले बोला है, वो है डर। अभी डर भी जो है बहुत हमारे अंदर के कई प्रकार से है, कई प्रकार के डर हैं। एक तो अपने शरीर का ठीक होने का डर, फिर है अपने अपनी व्यू का डर कि मेरी जो व्यू है वो कहीं किसी और के दिल को दुखी ना करे। दूसरी बात है सामने वाला मेरे लिए क्या सोचता है, माय रेप्यूटेशन का डर, ये और ही दूसरी तीसरी बात है। चौथी बात का ये एक सूक्ष्म सुंदर डर है कि ये कर्म करने से कहीं अंदर का मेरा भगवान ना छूट जाए। ना व्हाट आई वांट टू टेल यू, वेरी सिंपल, मेनी थिंग्स यू प्लीज अंडरस्टैंड, द वे वी टॉक, द वे वी ड्रेस, व्हाट इज दैट डिपेंडेंट ऑन, व्हिच थॉट इज दैट डिपेंडेंट ऑन, दैट आई रियली होप आई एम नॉट जज्ड बाय पीपल ऑन दीस थिंग्स। देयरफॉर आई टेक अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल टू सी व्हाट आई एम वेयरिंग, टू सी हाउ आई एम टॉकिंग, टू सी हाउ आई एम मूविंग, व्हिच आर माय फ्रेंड्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि दुनिया जो है वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, ऐसे क्या यही सुझागी मेरे को मेरे मन के लिए है, मेरा कौन सा कर्म होए, मेरा कौन सा ख्याल होए कि मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरा गुरु मेरे से हमेशा राजी रहे, हमेशा मेरे लिए क्या रहे, राजी रहे, वो मेरे लिए रजा खुशी में रहे। आपने ये बात समझी, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स माय चिल्ड्रन, वेरी सिंपल, बट वी नीड टू लिटरली रन दिस थ्रू आवर सिस्टम, लिटरली रन दिस थ्रू आवर सिस्टम। नंबर फाइव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग टू नाइट, हाउ मच ऑफ एम्प्टीनेस हैव आई एक्सपीरियंस इन माई सिस्टम। द मोर यू आर एबल टू बी एम्प्टी, जितना आपका खंबा खाली होगा ना, उतना परमात्मा से आपका रिश्ता बनता जाएगा। यू नीड टू डिसाइड यू वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप विद हूम, नंबर वन विद योर सेल्फ, which okay, which means when you say a relationship with yourself means you are in the journey of internal cleansing, ठीक है? Number two, relationship with the cosmic, which means Paramatma, very important. Number three, when these two relationships are sorted in your life, relationship with this entire world, which is nothing but a reflection of only your own true self, will be perfect. आपको उस वहां पे उन रिलेशनशिप्स में कोई टिंकरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वहां पे आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बहुत सुंदर होगा तो रिलेशनशिप विद योर सेल्फ मीन्स यू नीड टू फील द लव फॉर योर सेल्फ, एम आई डीपली इंटेंसली पैशनेटली इन लव विद माई सेल्फ, इफ आई एम आई विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ डेटियोरेटिंग एनर्जीज टू गेट इन to my system. How does that happen? All of us want to be clean. हम शरीर को तो बहुत साफ रखते हैं, सुबह भी नहाएंगे, दोपहर को भी नहाएंगे, शाम को भी नहाएंगे, कपड़े भी साफ पहनेंगे, हर चीज हमारी शारीरिक तरीके से एकदम ठीक है, physically we are trim, perfect, no doubt about it. लेकिन मेरा खंबा कैसा है, मेरी मन की सफाई कैसी है, इसके लिए I have to be very clear. So relationship with myself means how aware am I from the time I wake up? How aware am I that have I kept the temple of my mind clean? How do I do that? How do I do that? First, do not doubt. बिल्कुल भी doubt नहीं करना. Do not doubt. It's always fine. It's not like if I do this, it will be fine. If I say this, it will be fine. If I don't do this, it will not be fine. No, it is always fine. And when things are not going to be good for you, you need to make your khamba khali for the cosmic to communicate that to you. क्यों हमको khamba khali रखना है? कि मेरा रास्ता आगे का मेरे को अंदर से स्वयं दिखाई देगा. It makes it so easy. आप खुद ही बोलोगे, पता नहीं मेरे लाइफ में, दूसरे बंदे को लगेगा कि लाइफ मेरी बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन पता नहीं सारा खेल कैसे अपने आप चलता.
होता है, कितना चेंजेबल है, कितनी बात है। देखो कई हमको आके बोलते हैं, एक फैमिली थी वो जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे तो बीच में एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी एकदम जैसे ना तहस नहस हो गई, और वो गाड़ी के जो जो परिवार थे, चार लोग बैठे थे अंदर में, इंक्लूडिंग एंड देन अ ड्राइवर, फाइव ऑफ देम, तो इतनी चोट पहुंची सबको, बच्चों को इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर दोनों जो माँ बाप थे, हस्बैंड एंड वाइफ, उनको इतनी चोट पहुंची, उनको हॉस्पिटल लेके गए और हम भी उनको फिर वहां पे मिलने गए, और उनके मुख में तो खाली मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट थी। ऑलमोस्ट आई थिंक अ मंथ एंड अ हाफ दे हैड टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, एंड व्हेनेवर वी वेंट टू मीट देम, उनके मुख से खाली एक चीज निकलती थी, वाह साईं वाह साईं वाह। जब भी हम पूछते थे आप कैसे हो, बोलते थे शुक्र है मालिक, शुक्र है, कितनी सुंदर बात। दे वुड ऑलवेज बी इन द स्टेट ऑफ थैंकफुलनेस, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड, एंड व्हेन थिंग्स बिकेम अ little all right, and the lady, the mother, unse jab humne baat kari, I personally spoke to her and I said, how was your experience, please talk to us about it, what actually happened and how did these days pass, it must have been a living hell for you. So she said, no, on the contrary, it was a living heaven. So I got a shock. I said, पर आपका शरीर इतना पीड़ा में, कोई डॉक्टर ने प्लास्टर बांध के रखा है, कहीं से ड्रिप्स आ रहा है, कहीं से नाक से पाइप जा रहा है, मुंह से तो हमको तो ये भयानक लग रहा था बाहर से दृश्य, हमारे अंदर से तो भगवान से पुकार निकल रही थी, आप कैसे बोलते हो दिस वॉज सच अ लिविंग हेवन। She said, yes. You know, every cell of our body, every inch of our body is full of ego. There is so much of I know into our system. There is so much of ego that we have. Even one hair हमारे सर में है ना, तो वो भी ego से भरा पड़ा है। बोला मैंने इतना सीखा कि अब तू करके बता, अब तू सोच के बता, अब तू अचीव करके बता, अब तू प्रूव करके बता, शरीर धरा हुआ है ना, अरे बिना किसी इंजेक्शन के हम तो हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे। वी वर डिपेंडेंट ऑन मेडिकल साइंस, वी वर डिपेंडेंट ऑन एवरी मेडिसिन, वी वर डिपेंडेंट ऑन ऑल द प्रेयर्स, we were dependent on every little thing. बोला पानी पीने के लिए भी हमको किसी और की हेल्प की जरूरत थी, every movement of our physical limb was dependent on so many things. बोलती है मैंने इतना सीखा, वो जो दो तीन महीना शरीर को उसको जो तप रहा था ना, बोली मेरा मन शुद्ध होता जा रहा था, पवित्र होता जा रहा था, इतने लेयर्स खुलते जा रहे थे, साफ नजर आ रहा था, मैं ये शरीर हो ही नहीं सकती, आत्मा तो एवर फ्रेश, तब भी आत्मा थी, अब भी है, तो मृत्यु के बाद कहीं चली जाएगी क्या, वो भी तब वही रहेगी। बोला अंदर से समझ में आया, मोह भी अहंकार की निशानी है। Do you understand? Attachment is also a disease arising out of this virus called ego. And then she said, it is the biggest virus. She said, Didi, it is the biggest virus because anything else in your physical body can be tampered with, it can be held, right? Medical science can help it do whatever and it can still start standing. Agar kripa nirakar ki hoye, to badi si badi bimari bhi shareer ka saath chhod sakti hai. Lekin ye jo man mein jo ahankar hai na, jo jisko humne sat karke pakad ke rakha hai, उसको हम ही को झूठ समझकर अपने ऊपर कृपा करके छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज गॉड कांट हेल्प यू देयर, ही कैन नॉट इरेडिकेट समथिंग विच नेवर एग्जिस्टेड, विच डज नॉट एग्जिस्ट। जगत हे राम जी बना ही नहीं है, वेयर इज इट, इट इज ऑल इन योर हेड, ऑल दिस रोलर कोस्टर राइड दैट इज गोइंग ऑन इन आवर सिस्टम इज ऑल बीइंग क्रिएटेड ओनली हियर, एंड इट इज नॉट इवन अ मैटर ऑफ थिन एयर। मतलब कोई भी चीज जो है, चलो हवा करके हम उड़ा दे हवा में उसको, लेकिन उतना तक भी सच इस संसार का कुछ भी है ही नहीं।
There is nothing that deserves your time and attention. Therefore, what are you doing here in this life? What are we trying to achieve? There is that I who's meant to achieve also doesn't exist. Pura guru ke vachan se apne ko sanitize karna hai aapko. Ekdam bheeg jana hai. Itna pavitra ho jana hai ki uske baad maya ki nazar मेरे पे नहीं लगेगी। हम कितनी पूजा वूजा ये वो करते कि भाई नजर निकाले इसका, इस बंदे की नजर उतारे, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे ऐसे ही मैं आपको बोलती हूँ, गुरु की वाणी से अपनी नजर उतारो। किसने रखी है नजर आप पे और मेरे पे, किसने रखी है नजर? हमारे स्वयं के अहंकार में। बंदा ही अपना बुरा करता है और बंदा ही अपना अच्छा करता है, बंदा ही अपना बुरा करता है, बंदा ही अपना अच्छा करता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन अगेन? अगर आप ये बात सूक्ष्मता से, सटली यू नीड टू कैच, इट्स अ वेरी सटल थिंग। ज्ञान जो है बहुत सूक्ष्म और पर्सनल है, हर एक की पर्सनल बात अलग अलग है ना। यू हैव टू कैच इट वेरी सटली। जब बोला आप इंसान ही अपना भला करता है और बुरा करता है, मतलब कैसे? आप बोलोगे तो क्या दीदी, हम अपना बुरा थोड़ी करना चाहेंगे, हम तो मेहनत करते हैं। तो अगर मैंने चाहा कि मेरे को प्रमोशन मिले, चाहा कि मैं राइट इंटरव्यू में जाऊं, मेरे को सिलेक्शन मिले, मेरे को पगार मिले, आई डू व्हाटएवर आई कैन टू मेक मोर मनी, नाउ दैट इज नॉट द भला आई एम टॉकिंग टू यू अगेन गाइस। देखो कृष्ण भी सबको क्या खिलाते थे? मक्खन खिलाते थे। बोला छाछ तो कोई और पिए ना, मक्खन कौन पिए जिसने कृष्ण का संग किया? मक्खन क्या है? द जिस्ट, द एसेंस, द एंटायर एनर्जी लाइज इन दैट मक्खन। एंड कृष्ण गोज अबाउट डूइंग द मथना मथना मथना, ही सेज यू डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आके हाथ से आपके मुख के अंदर मक्खन डालता हूं। मतलब तुम अगर ज्ञान समझ जाओ, ज्ञान क्या है? तुम्हारा सच है, खजाना है, हीरो का खान है। अगर तुम वो बात समझ जाओ, तुम्हारे अंदर से जो लाखों करोड़ों जन्मों की चिपक है ना कि मैं हूं तो सब कुछ है, कितनी गहराई की चिपक है जो उस समय इंद्रियों से दिखाई देता है, व्हाटएवर द सेंस ऑर्गन्स कैन सेंस, दैट सेंस सीम्स टू बी रियल बाय द माइंड। नाउ यू नीड टू गिव दिस मक्खन ऑफ ज्ञान टू द माइंड टू राइज अबाउट दिस सेंस। व्हाटएवर इज सेंस्ड in the external world is the only truth, that only truth sense needs to be eradicated and you need to bring in a light in your system, the light that can see through this lie, a light that can see through this lie ki, oh my god, this is so changeable, oh my god, this is really not the only thing that exists, this is not it। apne man ke andar mein koi bhi emotion jo aapko gher leta hai, kisi bhi prakar ka dar, wo itna gehra ho hi nahi sakta jitna aapke guru ka prem hai। the love of your master is so divine, it's so pure, it's so deep that none of your senseless emotions can stay in that system, in that khamba for very long। you need to practice emptiness guys, do we understand? emptiness khali pan ka humko every day practice karna hai, har roz man ki safai karni hai, har roz mind ke andar mein ye amrit ka jaap japte rehna hai। kaun sa jaap? khali मन का जाप, मन के अंदर में जपते रहना है। I loved it when this lady from the hospital, when she came back and she told me that Didi, you don't have any idea, it was a living heaven। I said, what about the pain that the body was experiencing? She said, excruciating pain, no doubt about it, the pain was so excruciating। And then I realized how helpless a human being is, how helpless, and I realized that the physical body has tremendous capacity of two extremes,
extreme pleasure and extreme pain. And she said, when the physical body is in pain, nobody likes it. Nobody likes it. Death feels better than extreme pain. At that time, we are so helpless, we have to bow down in front of that pain as well. And that's when I realized, ki main hoon hi kidhar, where am I? It can feel that I am. It can seem, it seems, but it is such a myth. I can do is such a myth, a choice from coming from the space of ego, jo choice ki hum baat karte hain through ego. That is also such a myth. Bola, I didn't have a choice. We are lying there. मैं अपने शरीर को छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं? मेरा समय नहीं आया था शरीर को छोड़ के जाने का, पर अब समझ में आता है कि वो पीड़ा, वो एक्सीडेंट एक्चुअली कर्स नहीं था, वो एक ब्लेसिंग थी. और उसने क्या बोला कि ये जो हालत आती है ना, हमको करोड़ों का ज्ञान सिखा के ही नहीं, पकड़ा के जाती है. And that is what I just said, that हालत निकल जाए, सबके मन में वो पुकार होती है. हालत के अंदर घुसने के टाइम हम दो बार भी नहीं सोचते, हमारे अंदर में कर्तापना भी कितना रहता है, हमको बस है अंदर में कि मेरे को घुसना है, क्योंकि अंदर की कितनी बातें हैं कि हम उस निराकार के इशारे को भी कभी कभी अनसुना कर देते हैं. कितनी बातें हैं. इफ यू थिंक बिफोर वॉट यू ईट, 60% of your diseases will not come. But we don't, क्योंकि अंदर में रस इतना भरा है ना, ये भी टेस्ट करना है, वो भी करना है, वो भी. चलो एक बात है कि हालत से मेरी जान छूटे ऐसे हर मन को लगता है, but the point is खाली उसकी मेरे को प्रार्थना नहीं करनी है. लेकिन हालत तो आई है जाने के लिए, इसलिए नहीं करनी है. लेकिन उस हालत से जो मुझे सीखना है ना, वो मैं नहीं चूकू, वो सीख मेरे को हजार बार अपने अंदर लेनी है, हजार बार. अगर हमारे अंदर में किसी से भी रस लेने की बात अगर थोड़ी सी भी है ना, तो वहीं से उसी बंदे से टैक्स भी आपको बहुत देना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड?